Welcome to Win Online, your channel for educational videos. Starting with grade 3 today, we will look at 6 days of planning of grade 3 science lesson. And I'm using the same book, Science Future Explorers student book. And there is a workbook along with it. So the first unit is life science in this series. And the first topic is our body and how to care for it. And we are starting with this unit. Is unit ko hum shuru karne lage hain. I'm not sharing any lesson objectives with you because they are mentioned in the book. Aakhir mein main aapko bataungi ki aaj humne kaun se lesson objectives jo hain wo cover kiye. So this is day one for this unit. Aur aapne start hi karna hai ek activity se jiska naam hai mirror mirror on the wall. क्लास में एक बड़ा मिरर आपने ला के रखना है एंड देन इनवाइट द स्टूडेंट्स टू लुक इन द मिरर एंड ऑब्जर्व डिफरेंट फीचर्स. अपने आप को देखें, लुक एट देयर हेयर्स, आईज, नोज और बालों का टेक्सचर क्या है, रंग क्या है, सारी चीज़ों को वो ऑब्जर्व करें. दिस इज़ जस्ट एन ऑब्जर्वेशन एक्टिविटी. बच्चों को अपने ट्रेन करना है कि वो कैसे ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं. आफ्टर दैट, after they have observed themselves in the mirror, आपने मिरर को हटा देना है और बच्चे एक और एक्टिविटी करेंगे जिसका नाम है हाई फाइव. हाई फाइव बच्चों ने कैसे करनी है? आपने पहले से बच्चों को कागज़ पे कागज़ की स्ट्रिप्स, कागज़ के पीसेज इस तरह के देने हैं एंड आस्क देम टू राइट क्वेश्चंस लाइक दिस. आई हैव ब्राउन आइज, डू यू हैव ब्राउन आइज? आई हैव कर्ली हेयर, डू यू हैव कर्ली हेयर? आई हैव अ बिग नोज, डू यू हैव अ बिग नोज? आई एम 8 ईयर्स ओल्ड, हाउ ओल्ड आर यू? थिंग्स लाइक दैट. कम अज़ कम 5 सवाल. एंड देन आस्क द स्टूडेंट्स टू टेक देयर पीस ऑफ पेपर, वॉक अराउंड द क्लास एंड सी. I have brown eyes. Do you have brown eyes? और उन्हें कोई और मिलता है और वो कहे कि yes, I have brown eyes, तो वो यहाँ पे एक टिक लगाएंगे. लेकिन टिक लगाने से पहले वो हाई फाइव करेंगे उस बच्चे के साथ. उसे कहेंगे हाई फाइव, तो एक दूसरे के हाथ पे हाथ मारेंगे और वो यहाँ पे टिक लगा देंगे. डू दिस एक्टिविटी फॉर 6 to 8 मिनट्स. ये नहीं कि पूरा लेसन ही इसमें लग गया, कम अज़ कम आपके 10 मिनट इसमें भी लगेंगे. सो फॉर 6 to 8 मिनट्स डू दिस. एंड आफ्टर everyone has done this, ask the students to compare their answers. और वो खड़े होकर अपने answers बताएं कि मेरे अलावा class में 6 ऐसे बच्चे हैं जिनकी brown eyes हैं. There are 4 students in the class who have curly hair. There are 2 who have a big nose. Maybe 10 of us are 8 years old. कोई छोटा भी हो सकता है और कोई बड़ा भी होगा. सो दिस इज़ अ वे जिसमें कि वो कलेक्ट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन अबाउट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस. क्योंकि ये पूरा यूनिट स्टार्ट ही इस तरह से होता है. एज यू सी, माई नेम इज़ जेनिफर, आई एम 9 ईयर्स ओल्ड, आई लिव इन जॉर्जिया एंड आई गो टू स्कूल. इन्फॉर्मेशन है एक बच्ची के बारे में. देन हेयर वो अपने आप को और अपनी दोस्त को कंपेयर कर रही है, मेरी आँखें ऐसी हैं, उसकी आँखें ऐसी हैं. सो जस्ट ब्रीफली रीड दिस एंड एक्सप्लेन दिस टू स्टूडेंट्स. देर विल बी नो नीड टू एक्सप्लेन, क्योंकि ऑलरेडी वो अपने क्लास मेम्बर्स के बारे में ये सारी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेज की एक्सरसाइज कर चुके होंगे. एंड दिस इज़ योर डे वन. नाउ वी कम टू डे टू. डे टू में थोड़ी सी आपको पहले से प्रिपरेशन की ज़रूरत है. बाथरूम स्केल्स आपको लाने पड़ेंगे, मेजरिंग टेप लानी पड़ेगी, कोई बड़े साइज़ की शर्ट ले आइए आप, कोई बड़े शूज़ ले आइए. लेट स्टूडेंट्स ट्राई ऑन, उन्हें कहें कि शर्ट पहन के देखो तुम्हारे ऊपर आ रही या नहीं आ रही, बड़ी है, क्यों है बड़ी. इट विल बी फनी बट दे विल अंडरस्टैंड, वो रियलाइज़ करेंगे कि लोग मुख्तलिफ साइज़ के, मुख्तलिफ शेप्स के होते हैं. इसी तरह जूते उतार के उनसे कहें कि कौन ये जूता पहनेगा, किसके पाँव में फिट आता है. ट्राई कि आप इतना बड़ा जूता लेके आएँ जो क्लास में किसी के भी पैर में ना आए. सो दिस वे द स्टूडेंट्स विल लाइक हैव अ लिटिल फन ऑल्सो, और उसके साथ साथ वो समझने भी लगेंगे डिफरेंसेस को और सिमिलैरिटीज़ को. उसके बाद आपने ये करना है कि सारे बच्चे जो हैं वो उनका वेट भी मेजर करना है और उनकी हाइट भी मेजर करनी है. अब आप अगर कहते हैं कि एक पीरियड में नहीं होता, टेक हेल्प फ्रॉम अदर टीचर्स, यू कैन ऑलवेज रिटर्न द फेवर. दूसरी टीचर्स को इन्वॉल्व करें अपने लेसन में, आपकी हेल्प करेंगे वो. ठीक, सो दिस इज़ योर डे टू. अभी बुक में हमने कुछ भी नहीं किया है. ठीक है, कैसे जब वो कर लेंगे मेजर और सारा कुछ, तो टेल देम, बोर्ड पे बेशक लिख के बता दें कि वो अपनी क्लास कॉपी में अपनी हाइट, अपना वेट, अपना आर्म स्पैन,
अपने पाँव का साइज़, अपनी टांग का साइज़, ये सारा कुछ वो लिखें। इसके अलावा पर्सन इन द क्लास विद द बिगेस्ट हैंड्स, किसके हाथ सबसे बड़े हैं क्लास में, गर्ल विद द लॉन्गेस्ट हेयर या शॉर्टेस्ट हेयर, ये सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं, राइट। उसका नाम लिख लें, टॉलेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, उसका नाम लिख लें। ये उन्होंने अपनी क्लासों कॉपी में करना है, राइट। ये वो डेटा जो है कलेक्ट कर रहे हैं जो अगले दिन के एक्सरसाइज के लिए काम आएगा। नाउ वी कम टू डे थ्री। आज आपने टीम टीचिंग करनी है। टीम टीचिंग कैसे करनी है? इनवाइट मैथ्स टीचर, बेशक आपकी क्लास आपके लेवल की ना हो, हायर या लोअर लेवल की भी हो सकती है, टू हेल्प विद द ग्राफ। साइंस के मैथ्स के टीचर ने बच्चों को समझाना है कि ग्राफ क्या होता है और ग्राफ में हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, राइट। एंड देन ऑन बिग शीट्स ऑफ पेपर आपने दो ग्राफ बनाने हैं, एक हाइट का और एक वेट का, बच्चों की हाइट का और वेट का। इस तरह से देखिए, बुक में एग्जाम्पल आपके लिए हाइट वाले ग्राफ की दी हुई है, राइट। सो एक तरफ जो है वो सेंटीमीटर्स लिखे होंगे और एक तरफ बच्चों के नाम लिखे होंगे और उनकी हाइट सेंटीमीटर्स में होगी। आप वेट का भी बना लीजिए एंड डिस्प्ले इट इन द क्लास। जब तक ये यूनिट ख़त्म नहीं होता, वो क्लास के अंदर आपने डिस्प्ले करना है। आज के दिन आप एक और एक्टिविटी कर सकते हैं और वो है एक्टिविटी वन। बच्चे खुद कर लेंगे। नाउ दे हैव गॉट इनफ इंफॉर्मेशन टू डू दिस एंड यू कैन गिव दिस एक्टिविटी एज होमवर्क, क्योंकि इसमें पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, तो ये एक्टिविटी होमवर्क के लिए दे दीजिए और ये आपने क्लास में उनसे करवानी है। सारा मटेरियल आपके पास रेडी है, इट्स जस्ट स्टूडेंट्स विल वर्क इंडिपेंडेंटली। डे फोर पे आते हैं। ब्रिंग अ पीस ऑफ फ्रूट, मैंगो, पीच, प्लम, एप्रिकॉट, इवन एन ऑरेंज आप ला सकते हैं। एंड शो द स्टूडेंट्स, नाइफ भी लेके आइएगा अगर ऑरेंज हो उस सूरत में तो नहीं। एंड शो द स्टूडेंट्स दैट दिस इज़ अ पीस ऑफ फ्रूट, ये इसकी आउटर स्किन है, ठीक है। आउटर स्किन आप उतारेंगे, फिर आप कहेंगे कि देखिए ये फ्लैश है इसके अंदर, और फ्लैश को जब हटाते हैं तो फिर अंदर बोन या सीड जो है, ऐसा लीजिएगा जिसके अंदर एक मोटा सीड हो जिसको आप बोन से मुशाबहत दे सकें। सो देन एक्सप्लेन दैट आवर बॉडी इज ऑल्सो लाइक दिस, देर इज़ एन आउटर कवरिंग ऑफ स्किन, देन वी हैव फ्लैश, देन देर आर बोन्स, लेकिन इसके अलावा हमारे जिस्म में इंटरनल ऑर्गन्स भी होते हैं, बोन्स और इनके अंदर हमारे जिस्म में इंटरनल ऑर्गन्स भी होते हैं। देन यू कैन आस्क द स्टूडेंट्स कि वो ख़ुद आपको मुख्तलिफ इंटरनल ऑर्गन्स के नाम बताएं। बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स के नाम जो हैं उनको आते होंगे। कीप राइटिंग दोज ऑन बोर्ड और फिर आपने क्लास में ये एक्टिविटी करानी है उनकी क्लासों कॉपी पे। मेजर ऑर्गन्स के नाम एंड देयर फंक्शन, मेजर ऑर्गन्स के नाम और उनके फंक्शन, कि वो मेजर ऑर्गन्स कौन से हैं और वो क्या करते हैं। इनमें से ज़्यादातर के नाम आपको बच्चों ने खुद बताए होंगे, बट देन राइट it on the board and help the students, they can write it in their class of copies. You are actually building the base for different systems, kyunki aage jaake unhone systems padhne hain. Now we come to day 5. Dekhiye, if you want to read this information from the book, go ahead and read it. Our body is truly an amazing thing, aur isme mukhtalif organs hote hain aur har organ jo hai wo mukhtalif kaam karta hai, aur uske baad aap class book mein karwa sakte hain. जी, नाउ वी कम टू डे 5। फ्लैश कार्ड्स आपने बनाने हैं जिसके ऊपर सिस्टम्स के नाम लिखे होंगे, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, इनके नाम लिखे होने चाहिए और इन सिस्टम्स में कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, सारे नहीं तो मेजर ऑर्गन्स के नाम जो हैं वो आपने फ्लैश कार्ड्स के ऊपर लिखने हैं। नाउ स्टूडेंट्स विल नीड टू प्रैक्टिस सेइंग दीज वर्ड्स, दे विल नीड टू लर्न दीज वर्ड्स, स्पेलिंग्स भी उन्हें याद करने पड़ेंगे और उन्हें पता होना चाहिए कि व्हेन वी से मस्कुलर सिस्टम तो मस्कुलर सिस्टम में क्या चीज़ इन्वॉल्व है, व्हेन वी से स्केलेटल तो हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, व्हेन वी से सर्कुलेटरी सिस्टम तो कौन कौन से ऑर्गन्स की हम बात कर रहे हैं। सो यू विल टेक हेल्प फ्रॉम द बुक, आपको एक एक चीज़ जो है वो एक्सप्लेन करनी पड़ेगी और बोर्ड के ऊपर आपने जो है वो फ्लैश कार्ड साथ साथ लगाते चले जाना है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसके सामने उसके ऑर्गन्स के नाम। वी कम टू डे 6। जल्दी जल्दी आपने सिस्टम्स के नाम दोबारा से रिवाइज करने हैं एंड द नेम्स ऑफ द ऑर्गन्स जो कि इन सिस्टम्स
को कंप्राइज करते हैं उन ऑर्गन्स के नाम फ्लैश कार्ड्स को इस्तेमाल करते हुए. एंड देन टुडे देर आर टू एक्टिविटीज़ दैट आर इन द वर्क बुक एंड दोज आर ईजी एक्टिविटीज़. फर्स्ट वन इज़ दिस, तस्वीर देखकर बच्चों ने सिस्टम के नाम के साथ मैच करना है. मस्कुलर सिस्टम की तस्वीर कौन सी है, सर्कुलेटरी की कौन सी है. टेल देम टू ओपन देयर बुक, बुक में देखकर वो ये एक्टिविटी करें. गिव देम इंडिपेंडेंस, वो बुक में देखकर इसको सॉल्व करें. दिस इज़ नॉट अ टेस्ट. एंड देन ऑन द सेम डे यू कैन डू दिस एक्टिविटी ऑल्सो, क्योंकि ये सब उनकी रिविजन भी हो जाएगी और उन्हें समझ भी आ जाएगी. सो अगेन दे कैन रेफर टू द बुक, बुक को खोल के साथ साथ बुक को देखते जाएं और साथ साथ यहाँ पे डेफिनेशंस को देखते जाएं एंड देन डू द मैचिंग. लेट देम ट्राई इट बाय देमसेल्व्स फर्स्ट, एक दफ़ा वो खुद करें उसके बाद आप इनको हेल्प कीजिएगा. सो दिस इज द एंड ऑफ अवर वन वीक, 6 days ऑफ प्लानिंग फॉर ग्रेड 3 साइंस फ्यूचर एक्सप्लोरर्स बुक. बट द टॉपिक इज अवर बॉडी और हमारे बॉडीली सिस्टम्स. I hope you are finding these lessons useful. Thank you so much for watching. Please subscribe to our channel, like, share, and comment. Thank you.